अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं सारा डेकोरेशन हो चुका है। कानकी किशनगंज का इज्तिमा जो बहुत ही जोरों शोरों से 2018 के दिसंबर महीने से काम चल रहा था और सभी मुसलमान भाइयों और दिगर सभी की मेहनत रंग लाई और ये इज्तिमा की काम मुकम्मल हुई और काम देख सकते हैं आप, भाई थोड़ा उधर घुमाओ, आप देख सकते हैं सारे काम सारे इंतजाम हो चुके हैं और कल से यानी कल जुमे की नमाज बड़ी तादाद में इस इलाके में पहली बार यानी बैक वक्त एट ए टाइम लगभग लाखों की तादाद में कल जुमा में शरीक होंगे। आप तमाम हजरात जो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी आके कल के जुमा में शरीक हो और अपने नमाज पढ़ें यहाँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 23, 24, 25 जो तारीख में ऐसा इस तरह का इस्तेमाल इस इलाके में शायद 20 साल पहले हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया। और मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मदरास से। आप लोग आप भाई साहब अटवार से? आप देखिए, आपको दिखा रहा हूँ भाई लोग। चंडेल गाँव, चंडेल गाँव। आप लोग असरागढ़ से आए हैं? तो मतलब इस्तेमाल से पहले आ गए कि फिर जाइएगा? घर जाइएगा। आप लोग कहाँ से आए? मैनारस। कहाँ है? अच्छा अच्छा मजगुआ। तो ये तो लोकल इलाके के हमारे भाई साहब हैं। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए यानी बिहार और बंगाल, ये बहुत बड़ी इज्तिमा है। ये इज्तिमा ऐसा है कि ना आप इसको बिहार का नाम दे सकते हैं प्रॉपर, ना ही बंगाल। ये बिहार बंगाल दोनों इलाके की उलमा इकराम के मेहनत का ये वजूद है जिसकी वजह से ये आज इज्तिमा होने जा रहा है। ये इज्तिमा नहीं सिर्फ प्रॉपर बंगाल के लिए या प्रॉपर बिहार के लिए या फिर हिंदुस्तान के लिए, ये सारे दुनिया के, इस दुनिया के जितने भी हिंदुस्तानी, इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड में हैं, सारे मुसलमानों की हिदायत के लिए ये इज्तिमा की जा रही है। इज्तिमा का मकसद सिर्फ इकट्ठा मुस्लिमों की तादाद करना नहीं है। इज्तिमा का मकसद है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों को देखा गया, सर्वे किया गया, उलमा किराम ने ये निकाला कि इस इलाके बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और बिहार के हमारे महानंदा के करीब आज और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट और पूर्णिया के करीब का इलाका है, जहाँ पर दीनी काम जो बहुत ही सुस्त और रफ्तार से चल रहा था, जहाँ के इंसानों में दीन का जो होना चाहिए कदर, जो दीन का जो फैलना चाहिए, उस चीज़ की मेहनत के लिए ये जो इज्तिमा आप सभी को मालूम है 2018 की दिसंबर महीना से काम चल रहा था और सभी भाइयों का मेहनत रंग लाया, सारे काम इंतजाम पूरे हुए। बस ज़रूरत है सभी मुसलमान भाइयों और दिगर जितने भी मजहब के और भी मानने वाले हैं वो भी आ सकते हैं, चूँकि यहाँ अल्लाह रसूल और दीन की बात होने वाली है। और यहाँ आप तमामी हजरात से मौदाना गुजारिश है कि आप आए और आके दीन के जो मेन मकसद है, अल्लाह ने जिस दीन को बनाया इतने मेहनतों से, आज जो हम आसानी से बिगाड़ रहे हैं, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुँचा, बहुत ही नबियों का, बहुत सारे उलमा किराम का कुर्बानी की वजह से ये दीन फैला है। दीन फैलाने के लिए जब सऊदी अरब से जो भी उलमा, जो भी हाजरीन जहाँ जिधर रुख पाए निकल गए अपने बीवी और बाल बच्ची को छोड़ के, आज अगर हम जैसे इलाके के इंसान जो अगल बगल में, दिगेर जो अगल बगल में हैं, अगर वो तीन दिन अगर दे नहीं पाए तो नौजुबिल्ला बहुत ही लानत की बात है। ज़रूरत है आने की। और सभी हजरात से मैं बताता चलूँ, इस इज्तिमा के लिए जो चार पांच डिस्ट्रिक्ट के इंसान, तो चार पांच डिस्ट्रिक्ट जैसे बताता चलूँ आपको, हमारे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट बंगाल से उस इलाके के खास उलमा किराम आएंगे, उत्तर दिनाजपुर और एक और भी है मेरे जहन से निकल रहा है, और दो तीन बिहार के डिस्ट्रिक्ट के उलमा किराम, और साथ में बहुत ही बड़ी आदमी का सैलाब कल से यहाँ पर आने वाले, किसी डिस्ट्रिक्ट के ना, किसी डिस्ट्रिक्ट, हाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, जैसे भाई साहब से पता चला हमको, तो इन डिस्ट्रिक्टों के इन आदमी कल आने वाले हैं। आप तमामी हजरात से बस ये गुजारिश है, आपको दावत दी जा रही है पूरे कानकी किशनगंज इज्तिमा की ओर से कि आप आए, आके शरीक हो और अपने दीनी, जो दीनी जज्बात हमारे अंदर जो कमी है, आके सीखे, पर खुलूसी के साथ अपने दिल में कोई बात ना रखे। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है और हम लोगों को ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला, बहुत बड़ा हम लोग बहुत बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारे इलाके में हो रहा है। और होने के बाद ज़रूरत है कि उलमा किराम की बातों से हम असर करें और एक दीनी माहौल अपने इलाके में कायम करें। शुक्रिया। बस मेरा लास्ट कहना कि 23, 24 एंड 25 यानी शनिचर, आतवार और सोम, ये तीन दिन इज्तिमा गाँव में लाखों की तादाद में इंसान रहेंगे। देख सकते हैं हमारे उलमा किराम, थोड़ा इधर आइएगा भाई साहब, इधर आइएगा। तो जैसे देखे ना कि पूरा आदमी का, अभी से आदमी आना शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से जनाब?
हमारे लोकल की भी चचा हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि सभी आए और आके शरीक हो 23, 24, 25 तारीख 23, 24, 25 मार्च को। जी ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।